मैं अकेला रात का मेला तू कहां से गाले भाई गाले 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 जितना भी गाना ना अभी गाले इलायची जी से शादी के बाद फिर तो गले से रोने की आवाजें आएंगी बेटा अबे ज्यादा बकवास मत कर समझा वैसे भी ये शादी नकली है हट अबे शादी नकली है लड़की तो असली हो रखी है वैसे ठीक है यार तू जल्दी शादी कर मेरा भी रास्ता साफ हो यार मैं भी सुनीता जी के साथ थोड़ा मतलब अबे तुझे कितनी बार बोला ये बकवास बातें मत किया कर मेरे साथ सुनीता जी के साथ ये साड़ी में तू सिर्फ गोलगप्पे खा सकता और कुछ नहीं होने वाला तेरा ये मदद है समझा ठीक है ज्यादा परेशान मत हो जीजाजी छत पर हैं दरवाजा खोल यार अबे कद्दू खोल तेरे लिए आई तू जाके खोल क्या बना रहा भाई कोफ्ते बना रहा हूँ बैंगन के खाएगा काम कर दरवाजा खोल दिया कर जी जी आ गए इलायची जी एक सेकेंड आइए 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 इलायची जी बैठिए बैठिए हाय जी आई मीन हाय चानू क्या कर रहे थे ओह ऑफ कोर्स मुझे मिस ही कर रहे होगे है ना चानू जी जी आप तो चिराग की जिन की तरह जब पुकारो हाजिर हो जाती बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया तो फिर क्या हुक्म है मेरे आका इलायची जी वो शादी की तैयारियां हो गई मेरे लायक पूछो तो बताइए अरे भाभी यार क्या कर रही हो गैर मर्द के साथ अकेले कमरे में बंद शोभा नहीं देता आपके कैरेक्टर को एक काम करो जल्दी से बाहर चली जाओ सुनो ना छत पे आपको याद कर रही अरे, है अरे नहीं नहीं बुबू सॉरी बुबू आ जाइए ना भाभी बुबू बाय बाय दीदी अब ये क्या कर रही हैं आप आप इलायची जी आप क्या चाहती हैं क्या चाहती हैं आप क्या हम भाग के शादी कर लेते हैं इलायची जी ये क्या बोल रही हैं आप आपका दिमाग खराब हो गया आपसे भाग के शादी करूंगा मैं चांदनी चौक वाले क्या कहेंगे आपके बारे में आपकी इलायची जी आप क्या बोल रही हैं आप ओहो इतनी टेंशन मत लो ना जानू शांत कैसे लाइफ में इतने टंटे हो रखे हैं जानू देखो हम ना कहीं दूर भाग के चले जाएंगे और ना एक नई दुनिया बसाएंगे रोमांटिक नहीं नहीं देखिए इलायची जी हमसे शादी करने के लिए तैयार हैं हम आपकी मदद करने के लिए तैयार हैं लेकिन हम भाग के नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे नहीं जाएंगे हम नहीं 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 ठीक है जानू फिर तो हमारी शादी कभी भी नहीं हो पाएगी हाँ, कोई बात नहीं और मैं देखिए जीजाजी अगर मेरे मौसा जी को पता चल गया ना हमारी शादी के बारे में तो वो कभी हमारी शादी नहीं होने देंगे और तो और आपके लिए ना गुंडे भेजेंगे आपकी हड्डी पसली एक करने के लिए हाथ पे तोड़ के डाल देंगे आपके ऐसा नहीं कर सकते सर जी कर सकते हैं कर सकते हैं नहीं हाँ? मैं तो यहाँ पे सिर्फ ड्रामा रच रही हूँ ना कहानियां बुन रही हूँ मैं तो मरी जा रही हूँ ना कि आपसे भाग के शादी कर लूँ मतलब मैं तो कोई मौका छोड़ ही नहीं रही हूँ मैं तो मतलब हुई ऐसी पैदा ही ऐसी हुई थी आप यही कहना चाह रहे हो ना ठीक है अरे नहीं इलायची जी हमने ऐसा कब कहा तो फिर डन रहा आज रात को ना हम भाग जाएंगे ओके जानू हम तैयार हैं भागने के लिए ये ठीक है बराबर है देख ले ध्यान से होल्डर साहब हाँ दरोगा जी ना दिख रहे कहाँ गए दरोगा जी नहीं है तो नहीं है मैं तो हूँ ना मैं देख रहा हूँ ना तुझे मैं तो उनके लिए एक पक्की खबर लाया हूँ पकड़ ये कद्दूकस कर और साथ साथ ना खबर भी सुना ठीक है अरे हवलदार साहब आज हमारी कॉलोनी में ना एक लड़का एक लड़की के बिना मर्जी के भाई भगा के ले जा रहा है अच्छा कौन है भाई वो लड़का जो चांदनी चौक में इतना चौड़ा होकर घूम रहा है हवलदार साहब मैं भाई देख तो पाया ना क्योंकि बाकी पीठ ही मेरी तरफ हाँ पर मैंने सुनो वो अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि आज भगा के ले आया वो लड़की है अच्छा बेटा तो तू ये कह रहा है कि कोई भी चांदनी चौक में भागता हुआ मिले उसको पकड़ ले हैं अरे यार इन्फॉर्मेशन तो क्लियर दे खुलिया तो बता दे कद में थोड़ा छोटा सो और चांद पे चार बाल होंगे बस ये तो पता किसको उठाने वाले हैं वो लोग हवलदार साहब ये बात तो पक्की है लड़की मोटी है
क्योंकि वो अपने दोस्त से कह रहा हूँ कि आसानी से उठेगी ना, परेशानी आएगी उठावे में। तू मैंने यार कच्चा कच्चा खबर लेके आता है यार, नेक्स्ट टाइम ना बेटा खबर उबाल के लेके आना। चल निकल अभी निकल, छोड़े। पुष्पा चले कहाँ? केस सुलझाने। ये बिल्ली ना रोज दूध पी जाती है, आज मैं इसको छोड़ूंगी नहीं। इसका मतलब मैं बिल्ली की आवाज ना निकालता था? कौन सी निकालता था आवाज? अरे कोई भी आवाज निकालता था। इसे पता तो है कि मैं इसे भगाने आने वाला हूँ, फिर भी इसे ना समझ रही है। एक काम करता हूँ, सीधा जाकर दबोच ही लेता हूँ। अंधेरे में आने की तो क्या बत्ती जला के आता, गले में बल्ब टांग के आता जिससे तू मेरा चेहरा देख ले? बात कर रही बेकार की, पता ना था तुझे कि मैं तुझे भगाने आने वाला हूं? अरे यार रो क्यों रही है, रो क्यों रही है करू है? रोने वाली कौन सी बात है ये बता। इलायची के पापा मैंने तुम पे हाथ उठाया। हाथ ना उठाया, तूने पता नहीं क्या चीज उठा के फेंके मारी मेरे। अरे अरे ना लगी, मेरे साइड से निकल गई, मेरे चोट ना लगी है। बेकार बेकार, तू रोएगी ना तो यही छोड़ जाऊंगा मैं, बता रहा हूँ। नहीं 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 नहीं, एक मिनट हाँ। अरे ये क्या है? इलायची के पापा मैंने ना पूरी तैयारी कर ली थी भागने की। चलो अब इसमें ना मेरे कपड़े हैं, मुझे उठा लो गोद में। क्या? अरे तुम भूल गए जवानी में मुझे कैसे उठा के भागे थे? तब तू फूल सी थी, अब तू बरगद का पूरा पेड़ हो गई है। बात कर रही है बेकार की। अरे मुद्दे की बात पे आ जा, रो मत है। भागने वाले थे तो भाग चलते हैं, ये सब रो लियो बाद में। चल भगले भगले भगले। अब ये मुझे उठाना पड़ेगा, कुछ ना कुछ तो रखती है ना जी। अरे अरे तू अरे 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 यार रुक जा, इतनी तेज भगली ये। मैं बाप की शादी करने जा रही हूँ, कोई ना घर से बाहर निकाल दिया मुझे। क्यों रो रही है? अरे चुप हो जा। ये लोग घर से ही निकाल देते यार, तू देख ले अपनी सुन्नू को छोड़ के जा रही है। आज तक मैंने ना कोई भी फालतू काम तेरे बगैर नहीं किया, सोच के डर लग रहा है क्या करूंगी तेरे बिना मैं। देख शुभ काम करने से पहले ना तू मुझे इमोशनल टाइप्स कर रही है। सुन अब ना ये सारी जिम्मेदारी ना तेरी है कि तू किसी को मेरी कमी महसूस नहीं हो देगी यहाँ पे, समझ रही है ना तू? और देख वो बिट्टू हलवाई है ना, वहां से गोलगप्पे हमेशा फ्री में खाना, एक रुपया मत देना उस आदमी को। लेकिन हाँ देख तू इतने इमोशंस में बह के ना कोई टेस्ट पास मत कर लियो यार, हमारा रिकॉर्ड है वो नहीं टूटना चाहिए ना। कहीं तू सोचे कीलू तो चली गई है तो मैं पढ़ाई वढ़ाई शुरू कर दू, मारूंग यहाँ पकड़ के। ईलू तू ना इस बात की बिल्कुल टेंशन मत ले, तुझे पता ना हम दोनों का पढ़ाई लिखाई से दूर दूर तक कोई भी संबंध नहीं है। इलू सेल्फी।
अच्छा सुन, मम्मी पापा उनका ख्याल रखेगी ना तू? देख यार, उनको ना हमारे प्लान के बारे में नहीं बताया कि मैं भागने वाली हूँ, उनको झटका लगेगा ना। मैं नहीं चाहती कि वो ये झटका सह नहीं पाए, मतलब तू रखेगी ना ख्याल? इलू, आंटी जी अंकल जी को ना वैसे भी तुझसे कोई खास उम्मीद नहीं है। इलू, तू मेरे बगैर जा रही है ना? अगर तूने 1000-2000 से कम सेल्फियां ली ना, तो सेल्फी की कसम मैं तुझे अनफ्रेंड कर दूंगी। बाय गॉड, सोच ले। जाओ मैं। नहीं नहीं। यार, कहाँ रह गई ये इलायची जी? फरमाएंगी आज? भगवान मदद। क्या कर रही हूँ मैं? कहाँ भागे जा रही हूँ? ये भी नहीं सोचा कि एक बार मम्मी पापा की इज्जत को इस दहली से लांग दूंगी तो कभी लौटा ही नहीं पाऊंगी। कहाँ फंस गए यार रात? इलायची जी कहाँ रह गई? हम बाहर आए हैं, ये जो आपकी गली के कुत्ते हैं ना, हमें काट लेंगे यार। अरे इलायची जी जल्दी बाहर आइए, किसी ने हमें देख लिया ना तो आपका तो कुछ नहीं होगा, हमारा सब कुछ बिगड़ जाएगा, ऊपर से भाड़ी वाली माइक। अरे भगवान, जल्दी आइए इलायची जी, क्या कर रही हैं आप? जल्दी। नहीं, इलायची पूरी दुनिया को उल्लू बना सकती है, सबको धोखा दे सकती है, लेकिन अपने मम्मी पापा को नहीं। मैं तो उनकी प्यारी बेटी हूं। मैं नहीं, मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। हम हमेशा ऐसी जगह। इलायची जी क्या कर रही थी आप इतनी देर से? जल्दी करिए बैठिए, जल्दी करिए, अरे कोई देख लेगा। चलिए जीजा जी, आप अपने रूम में लौट जाइए। ये क्या बोल रही हैं आप? चलिए, क्या चले जाइए, कमरे में क्यों जाना? चलिए, आप क्या करिए आप? पूछिए मत ना, जाइए आप, चले जाइए, बोल रही हूँ ना, आप जाइए। अरे इलायची जी, हमने बाइक के 220 रुपए दिए, ये अमीरों को तो ना पैसे की तो कोई वैल्यू ही नहीं है। अरे स्टैंड तो लगा हुआ है। हेलो, मैं कितना सो गई? तू मनाई अपना हनीमून? बेटा तू इतना नहीं सोई है, तू सही टाइम पे उठी है। लेकिन ये तेरी इलू है ना, इसकी आंखें खुलने में बहुत देरी हो गई। इलू कैसी भैकी भैकी बातें कर रही है तू? कहीं जीजा जी ने भागने से मना तो नहीं कर दिया? नहीं यार, वो तो रेडी थे ना, मैंने मना किया भागने से, सोच रही तू? देख, माना हूँ शरारती, लेकिन धोखेबाज तू नहीं हो ना सुनो। प्राउड ऑफ यू। अच्छा किया तूने, बहुत अच्छा किया इलू। सुनो, तुझे पता है मैं बड़ा इमोशनल हो गई थी, मतलब जैसे दरवाजे के पास पहुंची ना भागने के लिए, पैर ही नहीं उठ रहा है यार। इलू ये बात तो सच है,
अंकल जी आंटी जी ने ना बचपन से तुझे एकदम राजकुमारी की तरह रखा है। इलायची जी पता नहीं क्या समझती, अपनी मर्जी से प्लान बनाती है, अपनी मर्जी से प्लान कैंसिल कर देती है। एक बार पूछ लेते पता नहीं फिर दोबारा बना लेंगी। और मुझे देखो कितनी वो हूं मैं, मतलब यार अपनी मस्ती के चक्कर में ना पता नहीं उनके बारे में क्या क्या झूठ बोल दिया। मतलब यहाँ तक कि अपने मम्मी पापा को ही मौसा मौसी बना लिया अपना। बड़ी आइटम टाइप्स हो यार तू, रहने दे यार मैं उदास हूँ यार। इतनी सैड मत तो, तुझे नहीं दिखा जाता मुझसे सैड। लेकिन सुनो तूने नोटिस किया, भगवान जी ने ना हेल्प किया हमारी। हाँ यार इतना बड़ा पाप होने से बचा लिया यार, है ना जिंदगी भर ना शर्म के मारे मेरा मेरा सर उठता ही नहीं यार, हमेशा झुका रहता। ओए तुझे मैंने ऐसे ही फ्री में अपनी बेस्ट फ्रेंड बनाया हुआ क्या? तू गलती करती है, मस्ती करती है, बट रियलाइज भी करती है, अपनी गलती मानती भी है, समझती भी है। और इतनी गिल्टी मत हो यार, क्यों हो रही इतनी गिल्टी तू? सुनो यार गिल्ट इसलिए ना क्योंकि मैं अपने मम्मी पापा की बेटी और मेरे अंदर ये स्टूपिड सा भागने का ख्याल कैसे आ सकता है, तू समझ रही है? लेकिन नीलू जीजा जी को तो कुछ भी नहीं पता, लेकिन नीलू जीजा जी को तो कुछ भी नहीं पता, वो बेचारे के बाहर तेरा वेट कर रहे हो तो। नहीं यार उनको मैंने कमरे में भेज दिया उनके, लेकिन यार सुबह सुबह तो बताना ही पड़ेगा ना उन्हें, मतलब कोई ना कोई पट्टी तो पढ़ानी पड़ेगी ना कि ये प्लान कैंसिल हो गया है। यार इलू हाँ? तेरे ना भागने की खुशी में इलू सेल्फी। इलायची जी आपने ठीक नहीं किया। अरे वाह ये टेंट तो बिल्कुल वैसा है ना जैसे फिल्मों में होता है। और तू क्या कह रही मुझसे कि मैं बिल्कुल रोमांटिक नहीं हूँ? लेकिन फिल्मों में तो टेंट के आसपास शेर भी होता है। अरे करू मैं किसी शेर से कहूँ क्या है? अरे तू रोने आ रखी है या ये बता। अच्छा छोड़ खाने के लिए कुछ लाई है? हाँ। क्या ला रखी है बता। गोभी की सब्जी। आए हाय करू तू जानती है ना कि गोभी की खुशबू जो है मुझे दीवाना कर देती है एकदम। तो फिर आज हो जाए पहले की तरह एक एक। मन कर रहा तेरा? हाँ। हवा भी चल रही है। चल हो जाए ले चक्के बताइए जरा। हाँ? लस्सी में मीठा कम तो ना है? अंदर चक्के बताती हूँ। अंदर चक्के भी? मेरे तो भाग ही फूट गए। चल अंदर चल तेरे भाग ठीक कर देता हूँ। चल आ जा। हाँ। चल चल पहले तू घुस। बंद कर ले जल्दी। पुष्पा ये जंगल के बीचों बीच तंबू किसने गाड़ा है? तंबू नहीं मुझे तो कुछ और ही लग रहा है। मतलब तू भी वही सोच रही है जो मैं सोच रही हूँ है? आशिक का अड्डा लग रही है ये। अगर खाली हो तो हम अरे कौन है भाई? अरे कौन है भाई? कौन है अंदर? अबे बोलता क्यों नहीं है, चुपचाप बाहर आ जाओ। देख बेटा अंदर बहुत गुलछरे उड़ा लिए, चुपचाप बाहर आ जा तू। अबे सुन लिया मेरी बात, आ जा बाहर। अरे क्या हुआ वंगीलाल जी? अरे सेठ जी आप, अरे सेठ जी दूसरे की बीवी को भगाने की जरूरत क्या थी हैं? आपकी खुद की बीवी तो यही साइज की है। अरे जैसा आप समझ रहे हैं वैसा कुछ ना हो रखा है। अच्छा पुष्पा जरा पूछना सेठ जी से अपने घर का कटहल छोड़ के बाहर के कद्दू के साथ कौन सा पेठा बनाने निकला है ये? मैं अपने कटहल मेरा मतलब है कद्दू ओहो अब मेरा मतलब है मैं अपनी बीवी के साथ यहाँ आ रखा हूँ। ये क्या बकवास कर रहे, भला कोई अपनी बीवी को लेकर भागता है क्या? अरे भागे ना है वो भाग।
जंगल में घर घर खेल रहे हैं देख लो रो रही है ठीक है फिर हाँ चल बंद कर दे तुम भी खेल लो घर घर चल चल